तो ये है मेरे घर की एंट्रेंस। माँ क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों नहीं दिखा रहे तेरे एंट्रेंस यार? माँ क्यों इतना मुंह बना रहे हो? कल को जब करोड़ों का बंगला होगा वो भी दिखाएंगे। हमारे घर में कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब कि अगर हम कुंडी मार के अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाहते तो नहीं कर सकते। जस्ट किडिंग यार। क्या हो गया? चुमो को बांधा हुआ क्योंकि ये कसा पार्टी करके आया, दिखेगा नहीं, इसने टांगे चाट लिए अभी। चुप कर, नहीं ले जाती तेरे को। मैं जा रही हूँ योगा करने, तुम आके करेंगे ठीक है, आके मस्ती कुछ करेंगे। सॉरी यार चुमो, नहीं ले जा सकती तेरे को यार, सॉरी बाय। नहीं चुमो बाय बाय, खोल दो ना, अंदर रहेगा, खोल दो बाय सुंदरी, खोल दो ना अभी, खोल दो ना बाय बाय सुंदरी, मुझे खाना खाओ फिर खोल देंगे ठीक है। आए लाडो, सॉरी सॉरी बाय। आए मम्मा खोल दो बेचारे को, आए नहीं नहीं तेरे पीछे आएगा वो, नहीं खाना खाएगा, नहीं आता पीछे मम्मा, इधर उधर भागता रहेगा बस। बाय सुंदरी मुंदरी बाय, सॉरी सॉरी। तो आज भी सोच रही हूँ कि आपको होम टूर दे दूँ ठीक है, मम्मा सफाई कर देना पीछे से, मैं जा रही हूँ। वैसे तो मैं गाने सुनते सुनते जाती हूँ, खड़ खड़ कम हो तो कुछ बोलो ना, मन नहीं करता यार रास्ते में कुछ शूट करने का। आप किधर चले? आपके साथ आके 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 आके, नहीं 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 करनी करनी, कसम से हो गया तू भी, चल भी उठ। मैं सुंदरी मुंदरी यार आगे मिलेंगे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आगे मिलेंगे आके, देखना तीसरे महल तक आगे जाओ। यार क्या कर रहे हो, हमको भी ले जाओ ना, हम भी योगा करेंगे ना शुरू से। पीछे हट यार चुड्डू, जाओ आगे नहीं आना, आगे खतरनाक कुत्ते रहते हैं। पहुंच के ग्राउंड अप करूंगी योगा। Up a little too fast, I miss the days that we didn't relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. Yeah. I need inspiration, don't need no validation, no more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain. योगा हो गया, मैं जा रही हूँ घर, घर जाके दूंगी आपको होम टूर। ओके घर आ गई और ये सब भी पीछे पीछे आ गए, रुक जाओ देती हूँ। चूटू को कोई नहीं खाने देता, इसको अपने हाथ से खिलाना पड़ता है, नहीं तो खुद से खाता नहीं है। डराते हैं इसको सारे, ये माँ बेटियाँ सारी मिलके। ये ले पजामा क्या चट रही है मेरा, कैसे पेटी करके आई हो क्या? नहीं मिट्टी लगी हुई है। अच्छा क्या नखरे, मलाई चाट के छोड़ दिए फुल्का, खा बड़े नखरे इनके। बस चूटू ही अच्छा है, छोड़ चूटू को दे दो, चूटू खा लेगा। ये ले वेरी गुड, चीमी भी फुलका खाना सीख रही है, बाकी सब के नख रहे हैं, बिस्किट से हिले हुए हैं तो कहाँ फुलके खाएंगे। मैं भी टांगों में धूप लगा रही हूँ और मेरी सुंदरी मुंदरी भी टांगों में धूप लगा रही है, पूरी मामा पे गई है। वो सुंदर है तू, वो सुंदर, पूरी मामा पे गई है। हाँ अभी का तो बेटा हूँ, वो सुंदर तू, बहुत सुंदर है। अब कराते हैं होम टूर आपको इतने सालों बाद। काफी लोग बोल रहे थे क्या कर रहे हो, होम टूर क्यों नहीं करवा रहे, हमको भूल भुलैया ऐसा लगता है, कभी किसी कमरे में घुसते हो, कभी किसी कमरे में घुसते हो। अब जी चलो पकड़ो मैं फोन। तो ये है मेरे घर की एंट्रेंस। माँ क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों नहीं दिखा रहे तेरे एंट्रेंस यार? पहले पहले मुझे बहुत शर्म आती थी एंट्रेंस दिखाने में ठीक है, लिटरली की हमारे घर में गेट नहीं है, ये क्या घर की एंट्रेंस, लोगों के घर में अच्छे अच्छे गेट होते हैं, हमारे घर में कोई प्रोटेक्शन भी नहीं। फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, मतलब मेरे माइंड से इनसिक्योरिटी की, तो मैंने सोचा तो क्या हो गया भाई, मिडिल क्लास लोग नहीं होते क्या दुनिया में, मिडिल क्लास लोगों के घर में भी गेट लगा होता है। फिर दूर से मुझे तो मौका मिल गया कैसे पार्टी करने का, बाहर घूमने का, चंद लड़के नहीं जा रहा हूँ मैं लफंटरों की तरह। तो ये हमारी दुकान है और ये हमारा घर, ये पता नहीं ये साइकिल है मेरी। माँ साइकिल किसकी है? ये साइकिल है रेडी रेडी, सॉरी ये रेडी हमारी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा चोमू। अरे कौन आ गया मल्ले में बगा के उधर? तो यहाँ से एंटर करते हैं ठीक है, अब यहाँ से आ सकते हो मेरे घर ठीक है। नहीं आना पर यार गेट नहीं लगा हुआ। आओ ये हमारी रेडी, इसमें हम आइसक्रीम बेचते हैं अपनी बना के। ये है कमरा, दुकानों के साथ लिंक्ड है कमरा ठीक है। आगे आओ ना जल्दी, वो क्यों इतना मुंह बना रहे हो, कल को जब करोड़ों का बंगला होगा वो भी दिखाएंगे। मैं दिखा नहीं दे रहे यार, ये कमरा जहाँ पे डॉगी को नहीं रखा था, जिसका हमने रेस्क्यू करा था, उस डॉगी को हमने यहाँ पे रखा था, ये पता नहीं क्यों कमरा बनाया हुआ है। हमारे घर में बहुत जगह कमरे बनाने की, इसलिए हमने अभी कमरा बनाया हुआ है। हमारे घर में बहुत स्पेस है ठीक है, स्पेशियस मकान है, लेकिन क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी है बस। क्यों करते हो यार, नहीं दिखाऊं घर, नहीं दिखाऊं घर, ये दुकान है घर नहीं है। हाँ, ये दुकान दिखा रही है अपनी, तो ना दिखाऊं तू बैठी है, तो दुकान भी तो हमारी है ना, हम अमीर है भाई, हमारे पास दुकानें हैं भाई, 10,000 लगाए ना रेंट पे, एक दुकान 10,000 की बिके रेंट पे। मामा मजाक करते हो, मतलब रेंट पे रखे अगर 30,000 कमा सकते हैं, मीने का दुकान से बात करते हो, पकड़ो। चलो ये हमारी पुश्तैनी सीढ़ियां, ये है हमारा शानदार गेट, ये हमारा छोटा गेट है ठीक है, ये हमने लगाया ताकि चूहू बार बार निकल सके, वैसे भी पहले भी लगा हुआ था, आज चूहू कभी भी निकल सकता है। ये मेरी सीढ़ी है जिससे चढ़ के मैं योगा करने जाती हूँ ऊपर छत पे, ये मेरे पिछले कमरे का गेट है दरवाजा।
और ये है क्या? ये थोड़ा कबाड़ खाना है हमारा। यहाँ पे हम अपना कबाड़ इकट्ठा करके ला के रखते हैं। हमारे घर का जो भी कबाड़ होता है यहाँ पे रखते हैं। बिल्कुल सेम गेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? ये गेट खुल गया, बंद रह सकते हैं, इंसान आ सकते हैं बड़े आराम से, कुत्ते नहीं आ सकते। फिर ये एंट्रेंस आप यहाँ से आ सकते हो, ठीक है? दूसरे रास्ते से नहीं आना, ठीक है? वो कमरे का रास्ता है। ये हमने यहाँ पे पुदीना लगाया हुआ है जिसकी हम चटनी खाते रोज। ये वो टैंकी है जहाँ पे मैं गिरी थी, ठीक है? आपको याद ही होगा, सबको याद है। ये हमारा खेत है, ठीक है? छोटा मोटा खेत लगा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे चोंग बहुत छोटी करता है। अच्छा, लगा कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं लगा है। ये लकाट का पेड़ है, ये गुलाब है, ये नींबू का पेड़ है। कोई सब्जी नहीं लगी ना? सब्जी नहीं लगती यहाँ पे, धूप नहीं लगती। आओ ना आगे। ये है लकाट का पेड़, ठीक है? ये है किम का पेड़, दिखा दूँ, ठीक है? अब हमारे घर का भी है तो आपको किम खिलाएंगे और लकाट भी खिलाएंगे, ठीक है? ये दिखाते हैं। ये हमने बनाया हुआ है मंदिर अपना। अब ये हमने लगाई है तुलसी यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारे बाथरूम पर मम्मा ये दिखाने नहीं देंगे। मैं दिखा दूँ? मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है? मैं दिखाती हूँ। ये हमारा वॉश बेसिन, ठीक है? यहाँ पे आप हाथ धो सकते हो, पर ये पाइप टूट गया, ये मैंने तोड़ी थी वैसे। तो ये है हमारी वॉशिंग मशीन जो कि बहुत ज्यादा पुरानी और खटारा हो चुकी है, इसमें कपड़े अच्छे से धुलते नहीं, इसलिए मम्मा को नहीं लेके दूंगी इलेक्ट्रिक। ये है हमारा बाथरूम, बीच में डाला पड़ा हुआ, ठीक है? ये है बाथरूम जहाँ पे हम छुपे थे, जो मैंने आपको बताया था ब्लॉग में, ठीक है? ये बाथरूम है। और ये है टॉयलेट। टॉयलेट खोल के दिखाऊं? वैसे खोल के दिखाते नहीं होते वैसे। ये है हमारा टॉयलेट और इसमें कुंडी नहीं बचती, अंदर हम जुगाड़ करते हैं, मतलब मैं जुगाड़ करती हूँ यहाँ पे। और कोई पोटी सुसु करना पसंद नहीं करता, सिर्फ मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से जुगाड़ करना आता है, बंद करना आता है। वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मा इतना खुल नहीं देते हैं ब्लॉग में, मैं वो दिखाना चाहती हूँ। पर चलो, ये हमारा पुराना से भी पुराना से भी पुराना बाथरूम। अब इसको हमने अबैंडन कर दिया, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। तो बस हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर टंकी है। वैसे यहाँ पे भी हम छुप सकते हैं जब टेररिस्ट है ना। वैसे मैंने प्लान किया था कि यहाँ पे छुपेंगे, मैंने ये नहीं डालती यार ब्लॉग में, अगर टेररिस्ट आ गए तो कहाँ छुपेंगे फिर। यहाँ पे हमारा स्टोर रूम, ठीक है? और ये जो आपको खिड़की दिख रही है ना, यहाँ पे अंदर भी कमरा है, वो भी स्टोर रूम है, ठीक है? अब मैंने अगर आपको ये जगह अंदर से दिखा दी तो मम्मा मेरा कत्ल कर देंगे, इसलिए जगह नहीं दिखा सकती अंदर से। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको दिखा देती, ठीक है? उसके बाद ये शौकिया तौर से राघव ने खरीदी थी, साइकिल पर चलाई नहीं, उसको ऐसे खराब कर दिया। अब यहाँ से आप अंदर आओगे, पहले यहाँ पे आपको ये एरिया दिखेगा जहाँ पे मैं गिरी थी, फिर यहाँ पे आएगी किचन, और यहाँ पे आएगा साथ वाला कमरा किचन का। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है किचन के साथ वाला कमरा और ये है किचन। बड़ा कबाड़ बड़ा हुआ है, एडजस्ट कर लो, ठीक है? घर मेरा बड़ा है, बस ये है कि घर थोड़ा ऐसा है, ठीक है? अच्छा है, आई लव माय होम यार, इट्स माय होम, यहाँ पे पैदा हुई हूँ मैं यार। ये आता है हमारा बरांडा, वैसे हम बरांडा बोलते हैं, बरांडा। बरांडा क्या हुआ, बोलते हैं वरांडा, वरांडा कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या, हम बरांडा बोलते हैं, हम बोलते हैं बरांडा। ये हमारा बंद बरांडा, ये हमारा खुला बरांडा, या ये आ गया हमारा छोटा बरांडा, ये आ गया हमारा बड़ा बरांडा, हम बोलते हैं बरांडा, काम खत्म, बरांडी, ठीक है? ये आ गया बरांडा, बेड़ा, बेड़ा, ठीक है? बेड़ा भी बोलते हैं, बरांडा भी बोलते हैं, अभी अंदर से आवाज आई, बेड़ा बेड़ा। अब यहाँ से आते हैं तीन कमरे, वो बेड़ा, ये बरांडा। अच्छा, जो वो बेड़ा है, ये बरांडा है, समझ रहे हो? मतलब कि मतलब मैं बोलती हूँ बड़ा बरांडा, छोटा बरांडा, बरांडा, समझ गए ना? ठीक है, चलो चलो। अब यहाँ पे आते हैं तीन कमरे, ठीक है? 1, 2, 3। अब इस कमरे के अंदर एक और कमरा है, इस कमरे के अंदर एक और कमरा है, और इन दोनों कमरों के अंदर जो एक कमरा है वो कनेक्टेड ही है, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब ये है मेरा कमरा, जैसे आप जानते हो, ठीक है? अगर आप मेरे घर में आते हो, लेफ्ट साइड घुसना, अंदर मैं बैठी होंगी। नहीं घुसना प्लीज यार, बाहर ही बोलना, क्या परना जी, बाहर हूँ मैं, बाहर आ जाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप खुलोगे तो मैं अंदर यहाँ पे बैठी हुई होंगी, ठीक है? मेरा स्थान है, वो कोको बैठा हुआ है। कोको कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, जिंदगी में तब्दीली आ गई है। और ये पीपल फार्म वाला जो मैंने यहाँ पे स्टिकर लगा दिया, काफी अच्छा लगा मेरे को। ये मेरा बेड, ये मेरा विजन बोर्ड, ये मेरी खिड़की, रिंग लाइट, सब्जियों वाली जगह, और ये मेरी पुश्तैनी अलमारी जो कभी बंद नहीं होती, इसको बंद कर देते हैं। अब ये वाला अंदर वाला कमरा वो है जहाँ पे बहुत ठंड होती है, ये वाला कमरा वो है जहाँ पे ठंड होती है, और वहां से मैंने शिफ्ट यहाँ पे कर लिया था, और फिर राघव अंदर सोने लगा था, ये वाला कमरा है, ठीक है? चलो बेड पे चेयर लाश, बेड पे एक लाश पड़ी हुई है चेयर की। एक्चुअली चेयर पता नहीं इसलिए रखी थी, मतलब सारी चेयर बेड पे रख देते हैं ताकि चोमू बेड पे ना चढ़ जाए, तो इसलिए चेयर बेड पे रख देते हैं हम। इट्स लाइफ, इट्स मिडिल क्लास फैमिली लाइफ। चलो, इंग्लिश भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, डंगर हूं मैं। चलो छोड़ो, ठीक है? कमरा देख लिया आपने, ये मेरा एक्स कमरा है, और ये कमरा देखो, ये रास्ता जाता है बाहर को, समझे? अब समझ रहे हो? ये जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो? इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप यहाँ से आते हो तो वहां से उधर जाना, यहाँ से इधर नहीं आना, ठीक है? यहाँ से हम कुंडी मार के रखते हैं ताकि कोई अंदर ना आ जाए। अब इस कमरे के अंदर आता है एक और कमरा, ठीक है? एक ये कमरा आ गया, इसके अंदर आता है ये वाला कमरा, ये, ठीक है? देख लिया। अब इसके अंदर आता है ये वाला कमरा जहाँ पे मम्मा बैठ के चाय पार्टी कर रहे हैं अकेले अकेले। अच्छा, चाय पार्टी अकेले अकेले मेरे बिना, ठीक है? और यहाँ पे बाथरूम, मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये है बाथरूम। अभी भी आपको कुछ आशंका हो रही होगी कि ये कैसे कमरे, अंदर कमरे के अंदर कमरे, कमरे के अंदर कमरे, ठीक है? यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से निकलते, ठीक है? फिर आपको दिखाती हूँ। चलो बाहर आगे वापस, ठीक है? यहाँ से घुसी थी और यहाँ से निकली, मतलब अंदर तीन कमरे एक साथ, और अंदर वहां पे सामने बाथरूम है।
तो हमारे घर में कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब कि अगर हम कुंडी मार के अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाहते तो नहीं कर सकते। जस्ट किडिंग यार, हमारा बॉयफ्रेंड ही नहीं, इसलिए हमारा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना किसी का। हेलो अम्मा, है अम्मा, हमारे घर में प्राइवेसी नहीं है ना, इसको मेरे से कोई भी अंदर जा सकता है। हम बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो फोन पर, आपको फिर चुप कर पकड़े जाए ना, इसलिए हमने बॉयफ्रेंड ही नहीं बनाया ताकि ये जो लाइन ना पड़े, क्योंकि हम कुंडी नहीं मार सकते। सच बता रही हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो अब हम आपको दिखाते हैं बाकी एरिया, ठीक है। ये तो आपने देख लिया खेत वाला एरिया, ये स्टोर रूम अंदर बनाया हुआ है, ठीक है, टेम्परेरी सा एक। तो ये पेड़ काटा था उस दिन, मौसम्बी का पेड़ काटा था कि पता नहीं कौन सा, इसके आगे हमने कोई और पेड़ लगा दिया, शायद इसके आगे ऑरेंज का पेड़ लगाया हुआ है। ये देखो ऐसे काट के ना, तो ये पेड़ लगा के इसको ना प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर प्लास्टर, ठीक है। ये देखो खाने का मन कर रही है, इसको ये लगा के ऊपर लेमिनेशन कर दिया और अंदर प्लास्टर कर दिया ताकि इसकी बाजू में टूटे ना, और फिर ये एक नया पेड़ बन के निकले, ठीक है। ये एक और लकाट का पेड़ लगा है, एक और लकाट का पेड़ लगा है, ये भी लकाट का पेड़ है, ये बुड्ढा लकाट का पेड़ है, ये मर चुका है, इसमें अब लकाट नहीं लगते, बहुत कम लगते हैं, ठीक है, मर चुका है ये। तो ढेर सारे लकाट के पेड़ है, अगर आपको चाहिए तो आप आके ले सकते हो। एक पेड़ बेचेंगे हम 1 लाख का, ठीक है, ऐसे नहीं बेचेंगे हम, ठीक है। और ये भी लकाट का पेड़ लगा है, ये हम सस्ता बेच देंगे, ये 10,000 का बेच देंगे, ठीक है, छोटा ये। और ये एलोवेरा लगा, ये भी एलोवेरा लगा, और ये नींबू या फिर मौसम्बी किसी एक चीज का पेड़ लगा, ये पता नहीं मेरे को, खुद नहीं पता क्या। वहां से निकल के आओगे यहाँ से, मेरे घर का एक और रास्ता बाहर जाने का, हमारा है भी और नहीं भी है, आप समझ लो, ठीक है, जो मर्जी समझ लो। यहाँ से ऊपर जाएंगे, हमारे घर की एंट्री वाली, अगर आपको आना है तो वहां से आ सकते हो। पर ये गोलू बैठी है बाहर, ये देखना फैल गई कि मैं इसको लाडी करूं। अब मैं जा रही हूँ अपने छत की तरफ, ठीक है, जहां से मैं वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आती हूँ। यहाँ से रास्ता है यहाँ पे छत का, और वहां से नीचे दूसरी वाली सीढ़ियां, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चोमू लफंटर को यहाँ पे क्या कर रहा है? बस लफरी मार रहा हूँ, देखा, पूरे पुंछ का इसको पता है, पूरे घर का, पूरे हर चप्पा चप्पा जानता है लड़का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी ऐसे गार्डनिंग सी हुई हुई है, बेकार सी, मैं भी करूंगी अच्छी से गार्डनिंग, जो मैंने बीज लाए वो बोऊंगी यहाँ पे। ये क्या बोलते हैं इसको, गीजर, गीजर खराब हो गया था, इसका हमने ये बना दिया। ये जुगाड़ आपके घर भी होगा पक्का, मेरे ख्याल से शायद नहीं होगा। तो ये हमारी दुकानों के ऊपर टीन डली हुई है, जो मुझे इसके ऊपर चढ़ता है मेरे को डर लगता है, क्योंकि ये कभी भी खिसक सकती है, मेरे को डर लगता है बहुत, इसके ऊपर हम नहीं चढ़ सकते, ठीक है। तो ये थोड़ी गार्डनिंग है, केलों की लाशें जो मैंने इतने सालों से बिछा के, इतने सालों से नहीं, इतने महीनों से, काफी टाइम से इसकी कलेक्शन कर रही हूं मैं। और वो चुड्डू बैठा देख रहा है। तो वहां से आप आए, ये गेट, सॉरी छोटा गेट, जो भी है गेट को जो मर्जी करो, फिर वहां से अंदर और यहाँ से अंदर। तो ये है मेरा बहुत छोटा सा घर और बहुत खूबसूरत घर, हमें इस घर से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, बहुत अच्छा घर है हमको, हमारा घर की ये बनावट बहुत पसंद है। बस ये चीज है कि सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि कवर नहीं अच्छे से, हर तरफ से हवा आती रहती है, कुछ प्रॉपर बंद नहीं है मकान हमारा, ऊपर बरांडा खुला, आगे बरांडा, फिर ऐसे फलाना ढिमकाना। यहाँ से नीचे दिखा देती हूँ, यहाँ से नीचे ये है हमारा बड़ा बरांडा, और किचन, किचन के बाहर वाला कमरा, वो बाहर वाले बाथरूम, और बस ये सारा मकान है हमारा। तो बस ये था मेरा होम टूर, तो अब शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो अंदर सुनते हैं, मुझे क्या कर रहे हो बात। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा कमरा कौन सा है, मैं कहाँ पे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक है। और हाँ, काफी लोग बोल रहे थे कि चोमू वो लकड़ी वाली सीढ़ी कैसे चढ़ के ऊपर जाता है, तो आज आपको पता चल गया होगा, चोमू दूसरे रास्ते से आता है ऊपर छत पे, ठीक है, वो पीछे वाला रास्ता। कैसा लगा, क्या लगा, कैसी लगी वीडियो होम टूर आपको? तो वीडियो कहाँ देखी मैंने अभी, देख शूट होते तो देखी ना, नहीं अच्छी लगी। नहीं अच्छी लगी क्यों मम्मा? इसलिए दुखी है कि मैं सारा कुछ दिखा रही हूँ, वैसे मैंने सारा कुछ दिखाया नहीं, मैंने आपके वो बाथरूम नहीं दिखाए, और वो पीछे स्टोर रूम नहीं दिखाया मैंने, बड़ा बाथरूम खोल के दिखाया वैसे, पर अंदर जाके नहीं दिखाया। आपका स्टोर रूम नहीं दिखाया मैंने, आप मेरे को मारोगे ना फिर पकड़ के। चोमू भी अंदर आ गया है, लफंडर किंग का चोमू, घने डिप्रेशन में जाता हुआ लग रहा है चोमू। और चुंदरी मुंदरी, गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा, बर्दाश्त नहीं होता मुझे, और चोमू को देखना डिप्रेस लग रहा है। चुप कर कुकर यार, मैंने ऐसी लिपसिंग वाली वीडियो बनाई ना, रील बनाई, मम्मा को दिखाई कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, मम्मा कहते हाँ कर सकती हूँ, मम्मा जा मैं फिल्म में एक्टिंग कर सकती हूँ, मेरी एक्टिंग लग सकती है, मैं कर सकती हूँ यार एक्टिंग, मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, नेटफ्लिक्स में एक सीरीज देख लो, मैं तो मेरी संगा होगी, चलो चुप कर, चुप कर बदतमीज, हीरोइन बनाई छोड़ो मेरी है, नेट इलेक्ट्रो आंखों ना बना के डायरेक्टर बना के आंखों बेर की हीरोइन बना, क्या हो हीरोइन बनी सकती है मैं, नहीं नहीं हीरोइन में बनी सकती है मैं, रोमांटिक फिल्म में बनी सकती है, अपनी कब्र खोद रहा है, नहीं 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 कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा माँ, देखो पूरी मिट्टी बाहर निकल गया, देखो चोमू क्या कर रहा है, ओ चोमू ए पिटाई पिटाई पिटाई, छिटकी जा किन्ना सोना मुंडा पैदा किया मैं, किन्ना सोना मुंडा तो को किन्ना सोना मुंडा पैदा किया मैं, देख रही थी कि कैमरा एंगल ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जिंदगी में, बहुत अच्छा हूँ जिंदगी में, तब्दीली तब्दीली
तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा रास्ता कौन सा है। तो अब क्यों ब्लॉगर, क्यों मैं ब्लॉगर?